अकोला जिले के अकोट तालुका में स्थित सतपुड़ा जंगलों में आने वाले गांव शाहनूर, भिल, केलपाणी, गुललघाट, दही खेल, फुटकर, शिवपुर, कासूद बोडी, उमरा, अड़गांव, इन परिसरों में बीती रात मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से परिसर के सभी नदी नालों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में सोयाबीन, कपास, संतरा इत्यादि पिकों को मूसलाधार बारिश और बाढ़ के पानी ने तबाह कर दिया है। वहीं खेतों को हुए नुकसान का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। आनंद फानंद में जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार, महसूल विभाग के मंडल अधिकारी, पटवारी ने नुकसान ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि किसानों ने सोयाबीन की फसल काटना शुरू ही की थी और अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने सोयाबीन की पूरी फसल को ही बर्बाद कर दिया। वहीं दिवाली का त्यौहार नजदीक है और किसान दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपनी फसल पर ही निर्भर थे। वहीं किसान अपनी खेतों को हुए नुकसान की जल्दी भरपाई की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मी पुलिस निरीक्षक नितिन देशमुख, पुलिस स्टेशन अकोट ग्रामीण। या व्हिडिओ द्वारे सर्व नागरिकांना विनंती करतो की अलीकडील 2 ते 3 दिवसांमध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर वाढलेला आहे व मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे नद्यांना पूर आहे। तरी नागरिकांना पोलीस प्रशासनातर्फे विनंती करतो की त्यांनी पुलांवरून किंवा रपट्यांवरून किंवा छोट्या नाल्यांमधून पाणी वाहत असताना असे नाले ओलांडणे टाळावे। कारण